subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. आपसे एक बात जी बोलिए। ये मेरा बेटा अस्पताल। आप लोग प्लीज प्लीज आप लोग कोई जगह तो छोड़ दिया करें, जहां देखते हैं बस। कहीं ये वाकई जरूरतमंद ना हो, क्या मुझसे ज्यादती हो गई है? एक्सक्यूज मी, लाएं वो मुझे प्रेस्क्रिप्शन दिखाएं। दे दे मुझे दे, मैं आपकी मेडिसिन दिला देता हूं। ये प्लीज मेडिसिन दे दे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये ले, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ जाएंगे? बस ये मैंने बताया ना, ये चौक पे बड़ा वाला। नहीं नहीं, आइए मैं आपको छोड़ दूँ। मैं चला जाऊँगा। आइए आइए आप प्लीज, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। आप मुझे किसी ऐसे डॉक्टर से मिलवा सकते हैं जो इनके पेशेंट के बारे में तफसीलात बता सके? ये आ गया डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर आसिफ, ये कृष्ण बोल वाले पेशेंट के बारे में जानना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप आइए मेरे साथ आइए। ठीक ठीक ठीक, बैठिए। जी एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैं इन साहब के पेशेंट के बारे में कुछ जानना चाहता था कि आपके पास कब से अंडर ट्रीटमेंट है? ये तो काफ़ी अरसे से हैं यहाँ। काफ़ी अरसे से? क्या मतलब? तकरीबन कोई दो ढाई साल से। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब, एक्चुअली इनके फादर के पास मेडिसिन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया। इस पेशेंट के वालिद ने? जी मुझे लगा जैसे कोई आधी मांगने वाला हो, और मैंने इसलिए सोचा कि मैं खुद जाकर देखूं कि वाकई ज़रूरतमंद है या
अब डॉक्टर साहब आपको तो पता है कि गिदागिरी हमारे मुल्क में एक आम प्रोफेशन बन के रह गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पेशेवर मांगने वाले लोगों ने हमेशा मुस्तहिक लोगों का हक मारा है, और ये भी नहीं सोचते कि कम अज़ कम ऐसी जगहों को तो छोड़ दें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें कुछ गलती हमारी भी है। अगर हम थोड़ी सी ज़हमत करके ये बात जान लें तो फ्रॉड और मुस्तहिक में फ़र्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। अरे अरे अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे। मेरे होते हुए आप ये सब करें, मेरे लिए शर्म का मकाम है। अरे बेटा इसमें हर्जी क्या है, मैं कोई इतना बूढ़ा तो नहीं हो गया हूँ, मेहनत कर सकता हूँ अभी। मेरा बस चले ना अब्बू, तो मैं जल्दी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नौकरी कर लूँ और आपको बेड पर बिठा के अपने हाथों से खिलाऊं। क्यों भाई, क्या मुझे बीमार करने का इरादा है? अरे नहीं अब्बू, मैं आपकी सारी बीमारियां अल्लाह से कहकर अपने सर ले लूंगा। अरे बेटा, तुम्हारी ये दुआ तो शर्तियां पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि ये बात मेरे और अल्लाह मियां के दरमियान पहले से तय है। इस मामले में आप हार जाएंगे अब्बू, क्योंकि अल्लाह मियां से मेरी जान पहचान कुछ कम नहीं। तू ठीक कहते, तेरी जान पहचान मुझसे कहीं ज्यादा अल्लाह मियां से, इसलिए तूने मेरी सारी बीमारियां ले ली। अरे एक मैं हूं कि अभी तक तुझे मुकम्मल तौर पर सहतियाब भी नहीं कर सकता। आजकल किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ है निक साहब, आप तो भले आदमी हैं जो खुद चल कर यहाँ आ गए। खुदा का शुक्र है डॉक्टर साहब, जो मैं वक्त पर यहाँ आ गया, वरना अनजाने में मुझसे इतना बड़ा जुल्म हो जाता और मुझे पता भी ना चलता। आपके जज्बात काबिल तहसीन है डॉक्टर साहब, एक दरख्वास्त थी आपसे। जी जी कहिए। इन बुजुर्ग और इनके बेटे को अगर मजीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ज़रूरत तो उन्हें काफ़ी चीज़ों की पड़ेगी, मगर एकदम नहीं, डेली बेसिस पे। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर आता जाता रहूँगा। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब खुदा का दिया हुआ है और मैं उसी के दिए हुए में से सब कुछ कर रहा हूँ, खुद तो मैं कुछ नहीं कर रहा। सबकी अकल में ये बात आती नहीं ना, हमारे यहाँ इस जज्बे की बहुत कमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। डॉक्टर मानू, सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल सब ठीक है, I'm fine. क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग काफी आसानी से झूठ बोल लेते हैं। कुछ लोग? अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैंने क्या झूठ बोला? झूठ नहीं, छुपाया तो था। मेरे पास कुछ बताने के लिए ही नहीं है तो छुपाऊंगा कहाँ से मैं?
चलें, मैं मान लेती हूँ कि आपके पास बताने को कुछ नहीं। आप तो बहुत सीरियस हो गई हैं। सीरियस हो गई हूँ आपकी ये हालत देख के। चले कोई तो है कि मुझे देख के सीरियस हुआ, अदरवाइज सब लोग मुझे देख के हंस पड़ते हैं। जुमला अच्छा है लेकिन आपके लहजे से मैच नहीं कर रहा। चले एनीवेज, अगर आप मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं अब अगर आप ये बोलेंगे कि आप बिजी थे या काम की टेंशन की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो आपकी शख्सियत में तो पिछले 2-3 हफ्ते से तब्दीली है और इतनी परेशानी तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं। मायरा, इंसान गिर के तो संभल सकता है लेकिन अगर टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, ये बताएं, आप चाय पियेंगे? हाँ चाय, और इसके साथ समोसे मंगवा लें। डॉक्टर, ये आपके यहाँ जो लोग एडमिट होते हैं, आप लोग उनको खाना नहीं देते क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में तो ब्रेकफास्ट और दोनों वक्त का खाना तमाम पेशेंट्स को दिया जाता है। और अटेंडेंट्स? अटेंडेंट्स अगर चाहें तो चार्जेस देकर खाना ले सकते हैं। ओह, इसका मतलब है कि इनके पास खाने के चार्जेस नहीं है, इसीलिए ये सूखी डबल रोटी खा रहे हैं। I'm sorry, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं वो ICU में जो पेशेंट है उसके साथ जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन्हें तो हमने विदाउट एनी चार्जेस खाने की ऑफर की थी लेकिन इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट नहीं की। आई थिंक इनकी खुददारी ने ऐसा करने पे मजबूर किया था। बाय द वे, आप इनके क्या लगते हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, मेरा उनके साथ रिश्ता वही है जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ तो उसकी बात का मस्बत जवाब ना दिया जाए। देखिए, आप इधर नेगेटिव ना सोचें, असल में यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि ज़ख्मी सड़क पर पड़ा होता है और लोग सिर्फ उसे खड़े हुए तमाशे देख रहे होते हैं, कोई उसे उठा कर लाने की जहमत तक नहीं करता। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक कहा आपने, बाकी सब लोग ऐसे नहीं होते। एनीवेज, प्लेजर टू मीट यू, माय नेम इज डॉक्टर जोई। किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते। थैंक यू।
कैसे हैं? प्लीज बैठिए बैठिए। कैसा हूँ बेटे? जब एक माली जिसने अपना सारा वक्त पौधे की आबियारी में सर्फ किया हो और जब वो पौधा एक दरख्त बन जाए और फल देने के काबिल हो जाए तो कोई नागानी तौर पर उस दरख्त को गिरा दे तो उस माली के दिल पर क्या गुजर सकती है, क्या क्या हालत हो सकती है उसकी? मुझे अंदाज़ा है कि आपके लिए ये बात बहुत भाई से तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन कम से कम इतना सोचिए कि जब आपका बेटा यहाँ लाया गया था वो किस हालत में था और आज वो किस कंडीशन में है। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, इसी उम्मीद पे तो मैं जिंदा हूँ, वरना मैं तो कब का अंदर से टूट चुका हूँ। आप फिक्र ना करें, आपका बेटा बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे अब्बू, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ले लेता थोड़ी देर में। जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ आपकी थोड़ी देर। आधी रात तो होने को आ रही है, तुम्हारी थोड़ी देर तो फिर सुबह ही होती है। अब्बू आप दुआ करें, मैं इम्तिहानों में पास ही नहीं बल्कि पोजीशन लेकर आऊँ इंशाल्लाह ताला। अरे बेटा, तुम सिर्फ होनहार ही नहीं सआदतमंद भी हो, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे। अब्बू आपने भी तो इतनी मोहब्बत और शफकत दी है मुझे, मेरी पढ़ाई की वजह से। आपने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, अब मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आपकी मेहनत का सिला दूँ। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करेगा बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। हाँ, दूध ज़रूर पी लेना। अंकल। अरे बेटा, तुम फिर आ गए। अरे तुम्हारा शुक्रिया, बैठो। हाँ भी अंकल, मैं तो अब आता जाता रहूँगा। अंकल ये मैं कुछ खाना। अरे बेटा, खाना तो मैं खा चुका हूँ, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं ये सब तुम्हारे एहसानात कैसे? कोई बात नहीं अंकल, इसमें से भी थोड़ा सा खा लें। कल तुमने दवाएं दिलाई और आज ये तकलीफ क्यों की तुमने बेटा? अंकल अंकल, आप मुझे बेटा भी कहते हैं तो फिर उसमें एहसान कैसा? जब आप मुझे बेटा समझते हैं तो फिर उसमें शुक्रिया एहसान हिचकिचाहट कैसी? हाँ बेटा, क्या बताऊँ क्या बताऊँ बेटा, इंसान अपने लिए अपनी जात के लिए तो बहुत खुददार हो सकता है, लेकिन लेकिन औलाद, ये औलाद की मोहब्बत अजीब चीज़ होती है। उसकी मोहब्बत के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाता है, कुछ भी। जिस तरह कल मैंने तुमसे दवाओं के लिए कहा। अंकल, ये ऊपर वाले की मसलहत होती है, वो किसी को देकर आजमाता है और किसी को महरूम रखकर। अंकल ये बताएं कि आरिफ के साथ हुआ क्या था? क्या बताऊं बेटा, उस रोज आरिफ का आखिरी पर्चा था इम्तहान का, और वो खुशी उस दिन। अबू अबू अबू, आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। अच्छा, कौन सा तीर मार दिया आज आपने? अबू मैं आज आखिरी पेपर देकर आया हूँ। शाबाश बेटा, लेकिन बरखुदार अभी नतीजा आना बाकी है।
नतीजा भी आ ही जाएगा अब्बू। आपको तो पता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आपकी तमाम मेहनत का सिला आपको दूँ। मेरी तो तमाम मेहनत का सिला तुम आरफ़ ले, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुकम्मल आराम करें। अब घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। जी हाँ, शुरू में तो सब लोग यही कहते हैं और बाद में तनाव छोड़ देते हैं। जाने कौन बदबख्त ये सब करते होंगे। मैं तो अपने अब्बू को सर आंखों पर बैठा के रखूंगा। क्या बात क्या है, आज बड़ा मक्खन लगा रहे हो। मोटरसाइकिल की चाबी चाहिए ना? ये सारी बातें मैं दिल से कह रहा हूँ अब्बू। हाँ अलबत्त, मोटरसाइकिल की चाबी तो मुझे ज़रूर चाहिए। वैसे आपको कैसे पता चल जाता है? अभी मेरी हर ज़रूरत मेरे दिल में होती है, आप मुझसे पहले ही कह देते हैं। अरे बेटा, जब खुद बाप बनोगे ना तब ये सब बातें जान जाओगे। ये लो मोटरसाइकिल चाबी, जाओ मौज करो। अच्छा अब्बू, अपना ख्याल रखिएगा। उस रोज आरिफ ने खूब मौज की, खुशी के मारे मोटरसाइकिल भी तेज चलाई। एक पुल से ढलान की तरफ उतरते वक्त उसे चलाते, लगता है इनको बस का नहीं कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया गया हो। सिर्फ वो लोग नहीं बेटा, ये जो सड़क पे होते हैं ना, ये स्पीड ब्रेकर्स भी कातिल होते हैं बेटा। स्पीड ब्रेकर्स? हाँ देखो ना, जिसका दिल चाहता है अपने घर के आगे सड़क खोद कर या वैसे स्पीड ब्रेकर बना देता है। ये स्पीड ब्रेकर्स तो सिर्फ ज़रूरी जगहों पर होने चाहिए ना। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मेरा बेटा भी एक स्पीड ब्रेकर का ढसा हुआ है। वो बड़ा सख्त दिन था जिस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था, उसी दिन इसका रिजल्ट आ गया और इसने वाकई पोजीशन हासिल की थी। लेकिन मैं हार गया। मेरे बेटे ने वाकई मुझे तना छोड़ दिया। नहीं अंकल, आप तन्हा कहाँ हैं? मैं भी तो आरिफ जैसा ही हूँ। आफरीन है बेटा तुम्हारी वालदैन की तरबियत पर, बहुत नेक तरबियत की उन्होंने तुम्हारी। ओ डॉक्टर हुमायूं, गुड टू सी यू अगेन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या बात, आप परेशान दिख रहे हैं, कहीं उस हादसे की वजह से तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं परेशान तो खैर आप हैं। अरे हाँ, वो आपकी दोस्त भी नज़र नहीं आ रही आसपास। हाँ पता नहीं उसने हॉस्पिटल क्यों छोड़ दिया। व्हाट, डॉक्टर मायरा ने हॉस्पिटल छोड़ दिया, मगर क्यों? डॉक्टर मायरा नहीं, मैं डॉक्टर ईमान की बात कर रहा था। ईमान? आई एम सॉरी डॉक्टर हुमायूं, लेकिन मैंने आपको डॉक्टर ईमान को कभी भी दोस्त नहीं पाया। दोस्त का क्या है, मैं तो हॉस्पिटल में सभी को अपना दोस्त समझता हूँ, आपको भी। बल्कि मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन आप बहुत बिजी थे तो मैंने फिर आपसे बात नहीं की। खैरियत, ऐसी क्या ख़ास बात करनी थी आपको मुझसे? स्पेशल थैंक्स कहना था। थैंक्स फॉर व्हाट? वो न्यूरो पेशेंट, ये जानते हुए भी कि उसका ताल्लुक मुझसे, आपने उसका बहुत ख्याल रखा था। इट वॉज़न्ट अ बिग डील, वो तो वैसे भी मेरा केस बनता था और मुझे भी डील करना था। नहीं नहीं, आपने उस दिन जो भी किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर आपने अपने लिए किया, मेरे लिए किया, लेकिन ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। क्या मतलब, आप कहीं जा रहे हैं क्या?
आई मीन जरूरी तो नहीं है कि यहाँ सारी जिंदगी रह जाए। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, वहीं हो आप, बिल्कुल ठीक। जरूरी नहीं है कि हम सारी जिंदगी यहाँ पे रहें। हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके, बिल्कुल भी चेक करा देना और ये वाला काम। हेलो डॉक्टर, हरे हैं नहीं सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं पेशेंट आरिफ के बारे में कुछ मालूम हासिल करना चाह रहा था। आप लोग उसका ऑपरेशन कब तक करने का इरादा रखते हैं? वो एक्चुअली आरिफ की सर्जरी के लिए कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप मुझे बता दें, मैं सारी अरेंजमेंट कर देता हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ किन चीज़ों की ज़रूरत है। बल्कि आप मेरे साथ आइए। आइए बैठिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू। ये देखिए आरिफ की थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री। ओह माय गॉड, दो ढाई साल में आरिफ के साथ इतना सब कुछ हुआ, कितनी अज़ियत सही है उसने और उसके वालिद ने। वाकई आरिफ का ट्रीटमेंट नहायत ही तवील और बहुत ही सबर आजमा रहा है, मगर द गुड न्यूज इज दैट कि उसने सर्वाइव कर लिया है। गुड, और इसका तमाम चीज़ों का क्रेडिट आपको और आपके डॉक्टर्स को जाता है। वाकई आप लोग बहुत बड़े मसीहा हैं, वरना शायद दुनिया में हर तरफ मौत ही मौत होती। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। कभी कभी आप जैसे दर्दमंद दिल रखने वाले लोगों की वजह से भी जिंदगी को बचा लिया जाता है। और फिर हमारा काम तो खाली काटना पीटना और सीना है, छोड़ने वाली जात तो हुई है, शफा तो अभी भी उसी के हाथ में। डॉक्टर आसिफ, मैं आरिफ के ऑपरेशन के लिए तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अब उसके ऑपरेशन में देर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने पहली फुर्सत में अब यही काम करना है। थैंक यू डॉक्टर। अंकल बहुत बहुत मुबारक हो, दो दिन बाद डॉक्टर्स आरिफ का फाइनल ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे बेटा मैंने तो तुमसे सिर्फ दवाओं के लिए कहा था और तुमने तो पूरे अखराजात थे। अंकल जिस दिन का आप इतनी मुद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे, अब वो दिन आ गया तो आप रो रहे हैं? नहीं अंकल, मैं तो समझा था कि आज जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप बहुत खुश होंगे। बेटा मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं, तुमने तो मुझे खरीद लिया है बेटा। अंकल कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, आरिफ मेरा छोटा भाई है और एक भाई दूसरे भाई के लिए जो कर सकता है मैंने सिर्फ वही किया है। और अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं आपका कुछ भी नहीं हूँ तो ठीक है, जब आरिफ सेफयाब हो जाए और अपनी नौकरी पर वापस लग जाए तो आप मुझे मेरा सब कुछ लौटा दीजिएगा। ठीक बेटा, तुम अगर मुझसे ज़िंदगी भी मांगोगे ना, मुझे पीछे नहीं पाओगे, और इसके अलावा मैं तुम्हें दे भी कह सकता हूँ, मेरी जुबान से तो हर दम तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। अंकल मुझे सिर्फ आपकी दुआ ही की ज़रूरत है, ये दुआ ही तो है जो मैं बाज़ार से नहीं खरीद सकता। देखिए ना, मेरी शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया मगर आज तक औलाद से महरूम हूँ। हालांकि डॉक्टर्स ने हम दोनों मियाँ बीवी को मेडिकली फिट करार दिया है, लेकिन बस उसकी मर्जी। बेटा उसके अंधेर है, अंधेर नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, बल्कि अपनी दुआ से उसकी रहमतों को झंझोड़ दूँगा। अंकल आप हौसला रखें, सब ठीक है। मुझे जब डॉक्टर आसिफ ने बताया कि आप हमारे उस पेशेंट आरिफ की माली मदद कर रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक आपके हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स के लिए फंड्स होता है। हाँ होते हैं। तो फिर आपने उन्हें उससे महरूम क्यों रखा हुआ है? दरअसल वो फंड्स जो है ना, वो ऐसे पेशेंट्स के लिए हैं जो हमें यहाँ
एडमिशन से पहले ही बता देते हैं। वैसे क्या आप यहाँ आने वाले तमाम लोगों को गाइड करते हैं? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भी डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं, अगर हम उन लोगों को बता देंगे तो फिर सभी लोग मुस्तैद बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने अपने हॉस्पिटल का फंड्स बचाने के लिए अब तक आरिफ का ऑपरेशन नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। आरिफ काफ़ी अरसे से अंडर ट्रीटमेंट है और डॉक्टर आसिफ ने मुझे बताया कि उसके वालिद उसके इलाज का बंदोबस्त करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल के स्टाफ ने आरिफ के वालिद को खाने की विदाउट चार्जेस पेशकश की थी। इसका मतलब है कि आपके स्टाफ को उनके माली हालत का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। देखें, खाने की बात ऑपरेशन से ना जोड़ें, ये लोगों की अपनी मर्जी है और हम लोगों के साथ पर्सनल होते भी नहीं हैं। लेकिन जब डॉक्टर आसिफ ने मुझे बताया कि आरिफ के वालिद उसकी मेडिसिन के लिए किसी और से हेल्प मांग रहे हैं, तो फिर मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि हम आरिफ को अपनी लिस्ट पर ले लेते हैं ऑपरेशन की। लेकिन आप जीत गए हमसे। नहीं, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की है। हेलो। हाँ, नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ, देर हो जाएगी। क्यों, हॉस्पिटल से? अच्छा, कब? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं ले लूँ। ठीक है, ओके, बाय। अरे नहीं बेटा, आओ। अंकल, मैंने अपनी बीवी का टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अंकल, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे वाकई बेटा, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह मियाँ, तेरा लाख लाख शुक्र। अंकल, अब मैं भी औलाद वाला बन गया। मैं अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तुम उसके बंदों के काम आओ, वो तुम्हारे काम आएगा। बेशक। अंकल, ये सब आपकी दुआ का नतीजा है। अरे मैं गुनहगार किस काबिल, बस थोड़ी सी दुआ करके उसकी रहमतों को झिझोड़ा है। अंकल, मैं अपनी बीवी को सबसे पहले खबर सुनाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम को वापस आऊँगा। अच्छा, ठीक ठीक। अंकल, आराम से आराम से आराम से।